यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुश रहें, देव माता रानी सुखी रखें। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, तो आप संभल जाएं। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीज़ों पर ध्यान ज़रूर दें। अक्सर घर में रखी कुछ ऐसी चीज़ें समय के बाद पूरा असर देने लगती हैं। इसके साथ ही आपके राशि के पूरे दिन का हाल भी हम जानेंगे। सबसे पहले गुरुदेव से हम जानते हैं कि घर में कोई पुरानी चीज़ें रखी रहती हैं, शौक शौक में लोग रख लेते हैं कि हम इसे नहीं फेंकना चाहते, हमारा इससे अटैचमेंट है, पर इससे ऐसी चीज़ें घर में रखने से कौन से ग्रह बुरे प्रभाव देते हैं? बेटा, अगर आप सुबह बिस्तर से नहीं उठते और रजाई में कंबल में कमरे को बंद करके पड़े रहते हो तो आपको किस तरह का एहसास होता है? आप डिप्रेसिव फील करते हो और किसी काम का मन नहीं करता, आलस्य बढ़ने लगता है और कोई भी काम और जो उस दिन हो सकता था वो सब रह जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे घर के अंदर रखी हुई हर वस्तु, इसका हिलना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक चीज नहीं हिलानी चाहिए और वो क्या है? अपने मंदिर के अंदर रखी हुई मूर्तियां, वो अगर आपने साफ भी करी है तो जहां से उठाइए वहां रखिए। और मूर्ति बिल्कुल बहुत छोटी होनी चाहिए और फोटो तस्वीरें भी, उनके ऊपर भी रोज कपड़ा लगना चाहिए, लेकिन जहां है वहीं रहे, उसको नहीं बदल सकते। नहीं तो घर के अंदर कोई भी चीज़, बर्तन हो, कपड़े हो, चारपाई हो, ठीक है, सोफा हो, टेबल हो, कुछ भी, एवरीथिंग, इसका हिलना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि पुराने समय के अंदर जब भी कोई बिस्तर बेड वगैरह बनाए जाते थे वो इस तरह के बनाए जाते थे कि या तो उसके नीचे जगह छोड़ी जाती थी, ठीक है, कि जिसके अंदर झाड़ू लग सके। और आजकल ये बॉक्स वाले बेड बनते हैं, ये बड़े खतरनाक हो गए क्योंकि ये ऊर्जा को बांध के रखते हैं और एक ही जगह पर पड़ी पड़ी ऊर्जा और उसी पे और ऊर्जा पड़ जाने के कारण ये गलने लगती है, सड़ने लगती है और वो सड़ी हुई एनर्जी ही आपको खराब करने का काम करती है। तो इसीलिए घर के अंदर वो सामान जो इस्तेमाल नहीं होना और जो महीनों भर सालों भर वहीं पर रहना है, ऐसे सामानों को रखना अपने परिवार की सेहत, अपने बच्चों की बुद्धि, आपकी अपनी बुद्धि और आपके अपने कर्म, इन सब को खराब करने जैसा होता है। इसीलिए आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चीज़ों को उठा करके साफ करके दोबारा टिकाने से भाग्य बढ़ता है और एक जगह पर रखी रखी चीज़ें जिनको हिलाया नहीं जाता, इससे भाग्य घटना शुरू हो जाता है, बुद्धि काम करना कम कर देती है और तकलीफें पैदा होती हैं। गुरुदेव, जैसे अभी आपने बोला कि बॉक्स वाले बेड का ट्रेंड बढ़ गया है, अब अमूमन हर घर में ऐसे ही बेड देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या कुछ उपाय हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बॉक्स वाले बेड भी अगर आपने रखे हुए हैं तो कम से कम भी महीने में एक बार आप उसके बॉक्स को खाली करके और बेड को हिलाकर उसके नीचे जमा हुई हुई जितनी भी धूल है, जितनी भी मिट्टी है, उसको ज़रूर साफ़ करें, पोछा मारें अच्छा, और उसके बाद वापस उसकी जगह पर रख करके उन चीज़ों को वापस एक एक करके टिकाना शुरू करें। इससे क्या है, बेड के अंदर रखी हुई वस्तुओं को भी सांस मिलेगा और हर चीज़ सांस लेती है, कपड़े भी सांस लेते हैं, समझिए ना। और इन चीज़ों को अगर सांस दिलाते रहोगे तो अच्छा रहेगा। और अच्छा तो ये है कि महीने में एक बार बॉक्स से वो चीज़ें निकाल करके आप दिन भर धूप में रखें और बाद में उनको शाम को बेड में डाल दें और उसके बाद महीना भर रहने दें। और ये बेड को हिलाना, अंदर रखी हुई वस्तुओं को निकाल करके उनको भी सांस दिलाना, ये आपके भाग्य के बढ़ने की निशानी होगी। नहीं तो भूलने की बीमारी, ठीक है, कामों को याद ना रखने की बीमारी और काम करते करते काम को भूल करके कुछ और ही करने की बीमारी, ये घर के अंदर जन्म लेने लगती है और मामले खराब हो जाते हैं।
चर्चा जारी रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे मेष ऋषभ और मिथुन राशि वालों की। मेष राशि के लोगों को आज गुस्सा ज्यादा आएगा, आवेग में रहेंगे और गुस्सा ज्यादा रहेगा तो घर वाले हो या बाहर वाले किसी से भी लड़ाई संभव है, और ये हुआ तो अपने शरीर पर दिमाग पर ज़्यादा बोझ पड़ने के कारण स्वास्थ्य और पेट इसके हिस्से में भी कोई ना कोई दिक्कत बन सकती है। तो सुबह सवेरे थोड़े से फूल मालाएं लेकर परमात्मा को अर्पित करें, धैर्य से दिन की शुरुआत करें, ठहर ठहर के काम करें, आपके लिए अच्छा होगा। वृषभ राशि के लोगों को आज सुबह सवेरे ही अपने बड़ों को प्रणाम करके उनसे पॉजिटिव ऊर्जा ले लेनी चाहिए, क्योंकि दिन पहले शुभ है, इससे दिन और शुभ हो जाएगा। कोई भी कार्य करें, हर काम को निपुणता से करेंगे और अपना प्रभाव दूसरों पर पूरी तरह सकारात्मक बना करके रखेंगे और अपना प्रभाव छोड़ेंगे आप माहौल पे, तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। मिथुन राशि के लोगों के लिए कामकाज के लिए तो दिन शुभ है, लेकिन स्वास्थ्य की खराबी की वजह से स्वभाव का खराब होना दिन को खराब कर सकता है। तो इसीलिए बड़ के पेट पर दूध पानी चढ़ाना और कुछ मीठा मंदिर में अर्पित करना आपके दिन को अच्छा बना सकता है। गुरुदेव, कुछ लोग होते हैं जो घर में दिखावे के लिए तस्वीरें लगा देते हैं जो वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है, तो घर में ऐसी कौन सी तस्वीरें हैं जो लगा सकते हैं और कौन सी तस्वीरें हैं जिन्हें घर से निकाल देना चाहिए? आपने एक बात सुनी होगी कि रथ पर अर्जुन बैठे हुए हैं, श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, लोग घर पे ये तस्वीर लगाने के लिए मना करते हैं, ठीक है, और बहुत सारी इस तरह की तस्वीरें हैं। जो भी तस्वीर देखते ही आपके अंदर उत्तेजना बढ़े, ऐसी कोई भी तस्वीर अपने घर पर लगाना बिल्कुल बिल्कुल गलत है। जो भी तस्वीर आपके अंदर कामुक विचार पैदा करे, ऐसी तस्वीर घर पे लगाना पाप है। और घर उसे बोलते हैं जहां पर मियां बीवी बच्चे और बड़े ये सब रहते हैं, ठीक है, ऐसी जगहों पे ऐसी तस्वीरें सख्त वर्जित होती है। और जो भी तस्वीर आपके अंदर इमोशनल भाव पैदा करे, प्यार पैदा करे, परिवार के साथ, परमात्मा के साथ लगाव पैदा करे, ऐसी तस्वीरें लगाना ऑलवेज शुभ होता है, अशुभ नहीं होता है। बहुत खूब, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि के वो लोग जो आज कोई नए काम को अंजाम देना चाहते हैं, किसी नए काम की नींव रखना चाहते हैं, किसी नए काम के लिए सलाह करना चाहते हैं, उनके लिए दिन हर तरह से उत्तम है और जो काम चल रहे हैं उसमें भी सफलता के आसार हैं। तो बस करना क्या है, थोड़ा सा दूध मंदिर में अर्पित करें और थोड़े से फूल मंदिर में अर्पित करें। सिंह राशि वालों ने आज अगर किसी से भी ईर्ष्या करी, जलन करी, तो उनका दिन पूरी तरह से खराब होने वाला है। परिवार में, जानकारी में किसी न किसी का स्वास्थ्य भी खराब होगा और ऊपर से किसी से ईर्ष्या करके आप अपना दिन खराब करने लगे हैं, तो बेटा थोड़ा धैर्य से रहें, आपके लिए उत्तम होगा और थोड़ी सी कपूर की टिक्कियां मंदिर में रखकर तब दिन की शुरुआत करें। कन्या राशि वालों के लिए पिछले समय से जो भी योजनाओं के ऊपर काम कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, उनकी सफलता का दिन है आज, तो आज थोड़ा ज़्यादा प्रयास करें उन कामों को सक्सेस करने का, आज आपके काम सफल होंगे। थोड़े से चावल मिश्री मंदिर में देकर तब शुरुआत करें, रिजल्ट और अच्छे आएंगे। गुरुदेव, घर में फटे पुराने कपड़े रखे जाते हैं, उसकी पोटलियां बना बना कर एक कोने में रख दिया जाता है, इससे कौन से ग्रह बुरा प्रभाव डालते हैं? रेडीमेड कपड़े, चादरें, तकियों के लिहाफ, ये सारी की सारी जितनी चीजें हैं ये शुक्र और केतु के दायरे में आती है, शुक्र के दायरे में ज्यादा आती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर हम जैसे नहा धोकर के हम खुशबूदार साबुन से नहाते हैं ताकि हम एनर्जेटिक रहें, नहाने के बाद इत्र लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं ताकि हम एनर्जेटिक रहें, ठीक है, और ये जो जितनी भी खुशबू है ये सारी की सारी ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है, हमारे को नींद ना आए और अच्छी तरह से काम को समझदारी के साथ फोकस कर सकें,
इसके लिए खुशबुएं लगाई जाती हैं, ठीक है। ये सारी शुक्र की चीज़ें हैं, जितनी खुशबुएं। इसी प्रकार से रेडीमेड कपड़े, चदरे और तकियों के लिहाफ, ये भी सारे शुक्र हैं। और ऐसे में अगर आप इनको पोटलियां बना बना के घर के अंदर रखते हैं, बेड में रखते हैं, या ऐसे आपने एक कोना बना रखा उसके अंदर ये रखते जा रहे हैं, ये शुक्र की एनर्जी सड़ने लगती है। और शुक्र और शनि ये आपस में मित्र है, या कहो मियां बीवी हैं। जिन घरों के अंदर इस तरह से कपड़ों की पोटलियां बना के रखी जाती है, उन घरों के अंदर मियां बीवी वाला सुख ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। एक दूसरे के अंदर इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, एक दूसरे के साथ शिकायतें बढ़ने लगती हैं, एक दूसरे के साथ में समझ नहीं मिलती, यानी ब्याहता जोड़े की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। और बच्चों को भी जवानी वाली दिक्कतें आने लगती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, क्योंकि शुक्र का सीधा सीधा संबंध जवानी के साथ है, जोश के साथ है। अगर वो भी नहीं तो बच्चों को अपना टारगेट अचीव करने के लिए जिस कदर चलाकी और मेहनत करनी चाहिए वो उनके पास नहीं रहती। इतना बड़ा खामियाजा ये कपड़ों की गठरियां बांध बांध करके रखने से मिलता है, समझिए। जिनका काम धंधा है वो तो रोज लाते हैं, रखते हैं, हिलाते हैं, बेचते हैं, नया लाते हैं, ये अच्छा है, नई ऊर्जा आती है, पुरानी ऊर्जा जाती है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पड़े पड़े ये कपड़े भी अपने अंदर से एक बुरी एनर्जी को निकालते हैं, और उस एनर्जी का नाम भी राहु है। कारण ये कि शुक्र लाल किताब के अनुसार राहु और केतु को मिलाकर के शुक्र बनता है। जब वो कपड़ा नया, अच्छा, साफ धुला हुआ होता है तब उसमें से केतु उत्पन्न होता है। लेकिन जब ये कपड़ा पड़ा पड़ा सड़ने लगता है और बहुत देर तक इसको कोई छूता नहीं और बहुत ढेर लग जाता है, तब इसमें से राहु उत्पन्न होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है, लाल किताब के अंदर लिखा हुआ है कि राहु और केतु को मिला के ही शुक्र बनता है। तो केतु को प्रबल करिए, यानी कि कपड़े उतने ही रखिए जो धुलकर के साफ हों, प्रेस होकर के आप दोबारा पहनते हों। इनका ज़्यादा इकट्ठा करके रखना आपके लिए बहुत बहुत नुकसानदेह है। और अगर आपके भी घर में कपड़ों का ढेर पड़ा है, फटे पुराने कपड़े साइड में रखे हैं, तो उसे आज तुरंत निकाल दें। अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों को आज सुबह सवेरे कुत्ते कौओं की कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए, क्योंकि दिन खराब है। आज आपके द्वारा जो भी काम किया जाएगा उसके अंदर नुकसान के हालात ज़्यादा बड़े निकल करके आ सकते हैं, और जब नुकसान आएंगे तो आपके सहयोगी, आपके घर वाले आप पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि आपने गलत काम कर दिया, उससे दिन खराब होगा। तो इसीलिए ज़रूरी कामों को थोड़ा स्थगित करें, या जिनके ऊपर ज़्यादा पैसा लगा हुआ है उनको थोड़ा स्थगित करें, कुत्ते कौओं की सेवा करें, सहजता से दिन बिताएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज हर तरह की चुस्ती, चलाकी, निपुणता, हर तरह से नया उत्साह, सब कुछ आपके पास होगा। तो जिस कार्य को भी करने की ठान लेंगे उसमें जीत करके ही आएंगे। बस सुबह सवेरे परमात्मा के दर्शन करें और थोड़ा सा गुड़ मंदिर में अर्पित करें। धनु राशि के लोग आज काम पे जाएंगे तो वहाँ सफलता, किसी भी चीज़ के लाभ के लिए कोशिश करेंगे लाभ मिल जाएगा, और ऊपर से शाम को किसी ना किसी पार्टी या खुशी के माहौल में भी जा सकते हैं। तो हर तरह से दिन उत्तम है, बस सुबह मंदिर जाकर अपने इष्ट के दर्शन करके तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, घर की छत को गंदा रखना या घर की छत पे कबाड़ रखना क्या बुरा असर दिखाएगा? जन्म कुंडली का 12वां घर यानी कि छत, डायरेक्शन साउथ ईस्ट, ठीक है, ये भी जन्म कुंडली के 12वें घर के लिए इंडिकेट की जाती है। देखिए, लाल किताब में एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है जो भाग्य की वृद्धि के लिए बताया गया है। कहते हैं घर के अंदर एक अंधेर कोठरी हो जिसके अंदर सूर्य की रोशनी ना आती हो, और उसके अंदर आप कीमती चीजें, रुपया, पैसा, सामान वगैरह रखते हैं, तो आपका भाग्य सदा उन्नति करता है। और वो डायरेक्शन कौन सी होती है? साउथ ईस्ट। उसके लिए लाल किताब में कहा गया कि आपके घर में जब हम एंटर कर रहे हैं और जाकर के अगर सीधे हाथ के ऊपर एक अंधेर कोठरी हो तो वो आपके भाग्य के लिए बहुत ही शुभ होगी, और जब तक वो होगी तब तक आपका भाग्य बढ़ेगा, और जिस दिन वो टूट के उसमें सूर्य की रोशनी कर दोगे भाग्य मिट्टी हो जाएगा।
ठीक है, तो वहां पर कीमती चीजें रखना अच्छा होता है। मेकअप का सामान रखिए, वो भी अच्छा है। ठीक है, घर की छत वही फल देती है। घर की छत के ऊपर आपकी बची हुई ईंटें, बची हुई रोड़ी, बचा हुआ बदरपुर, ये सब कुछ होगा। तसले फावड़े ये रखे हुए हैं, लकड़ी लोहा रखा हुआ है, भविष्य में कभी काम आने वाले गर्डर रखे हुए हैं, तो समझ लो ये भविष्य में काम नहीं आएंगे, बिक जाएंगे और आपकी मेहनत को इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कि आप नया मकान बनाने के काबिल ही नहीं बचेंगे। इसीलिए अपने इसको बोलते हैं व्यय स्थान, इसको बोलते हैं सुख स्थान। ये व्यय भी ऑलवेज आदमी को पैसा खर्च करके ही सुख मिलता है, समझिए, या दान देके ही सुख मिलता है। तो जो लोग अपने घर की छत के ऊपर इस तरह के कबाड़ रखते हैं, वो दान देने के काबिल नहीं बचते, पैसा खर्चने के काबिल नहीं बनते, तो सुख कहां से मिलेगा? तो अगर आपको सुख को जगाना है, सुख को पाना है, तो सुख के स्थान को अच्छा करिए और घर की छत से कबाड़ उतारिए, ताकि जीवन वाकई में सुखमय हो। और सुख में जीवन चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस देखना बिल्कुल ना भूलें। बात आगे करेंगे मकर कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि के वो लोग जो आज डिसाइड करना चाहते हैं कि अपने ज़रूरी कामों को जाकर के निपटाएं, या आज जहां खुशी का माहौल है वहां जाएं, या थोड़ा मनोरंजन कराएं, तो मैं सलाह दूंगा कि आज मनोरंजन बेहतर है, खुशी के माहौल में जाना बेहतर है, क्योंकि कामकाज के लिए आज का दिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिर भी जाना पड़े तो खोई की मिठाई मंदिर में रखकर तब जाएं, परमात्मा आपका साथ देगा। कुंभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन हर तरह से बेहतर है। काम के अंदर भी उत्साह देखने को मिलेगा, प्रतियोगिता के अंदर जीत लिखी हुई है, किसी परिचित व्यक्ति से देर बाद मिलेंगे उससे खुशी होगी, और हर तरह से काम के अंदर सफलता का दिन है। बस थोड़ा सा दूध चावल मंदिर में अर्पित करें, दिन और शुभ। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है। आज आपने कोई भी ज़रूरी काम निपटाने हो उसके लिए बहुत उत्तम है। आज आपने किसी भी तरह से परिवार के साथ वक्त बिताना हो वो भी ठीक है, और सकारात्मक सोच के साथ कुछ भी नया प्लान बनाना हो वो भी आपके लिए शुभ है, पर मंदिर जाना ना भूलें। गुरुदेव, कुछ लोग होते हैं पुराने पर्स को लेते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं, फट जाता है फिर भी उसको यूज़ करेंगे, तो पुराना पर्स अपने पास में रखना या घर में रखना कितना बुरा प्रभाव देता है? पुराना पर्स, अब पर्स कपड़े का है ये एक अलग है, चमड़े का है ये एक अलग है, रेक्सिन का है ये एक अलग है, पर्स एक रंग का है ये अलग है, पर्स दो रंग का है ये अलग है, पर्स तीन रंग का है ये अलग है। ग्रह इतनी तरह से देखे जाते हैं, समझिए ना। तो कुल मिलाकर के धन की थैली, समझे, कीमती चीजों की थैली, इसके लिए तो यहां तक आ गया। एक लाल किताब के अंदर चैप्टर आता है कि जहां आप पहले धन रखते थे, वो आपने जो स्थान बनाए हुए थे धन रखने के लिए, अगर वहां से आपने ये खाली कर दिया है, वहां पर कुछ नहीं है, तो ये आपके दुर्भाग्य की निशानी हो। अगर आप वहां पर पैसे नहीं रखना चाहते, वो जगह किसी को पता चल गई है, चोरी होने का डर है, तो तब भी वहां पर बादाम और छुआरे रखिए, ये बहुत जरूरी है, वरना दुर्भाग्य आ जाता है घर पे। ठीक है, ऐसे ही पर्स होते हैं। पर्स अगर आपने बेटा फटे पुराने रखे हुए हैं और घर के अंदर उनकी इस बकायदा एक जगह बना करके वहां इकट्ठे करते चले जा रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य की निशानी है, चाहे किसी भी रंग का, चाहे किसी भी मटेरियल का बना हुआ हो, वो दुर्भाग्य की निशानी बनता है। फटे हुए पर्स, खराब हो चुके पर्स, दाग लगे हुए पर्स, जिनको आप कैरी नहीं करते, ये घर के अंदर रखना ये अशुभता की निशानी है, ये कमज़ोर मानसिकता की निशानी है, ये कंजूसी की निशानी है, और इस तरह की मानसिकता को प्रबल करना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है, पॉजिटिव सोच के साथ आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसीलिए इस मानसिकता को त्यागिए और जीवन के अंदर तरक्की करिए। बिल्कुल, और तरक्की करनी है तो एस्ट्रो साइंस जरूर देखिए। गुरुदेव, मेरा अगला सवाल है आपसे, घर में भगवान के पुराने फटे हुए चित्र रखे हैं या टूटी हुई मूर्तियां हैं, तो इसको इसका क्या करना चाहिए? फटे हुए चित्र और टूटी हुई मूर्तियां,
रखने की जरूरत ही क्या है, है ना। कारण ये कि ये जो चीज है ये आने वाले दुर्भाग्य को दर्शाती है, ये एक इंडिकेशन है कि आप भविष्य के अंदर सही डिसीजन लेकर के जो कार्य करने चाहिए, जो जीवन के अंदर आपको अचीव कर लेना चाहिए एक पॉजिटिव मानसिकता और एक पॉजिटिव कर्म के साथ में, ये उसको इंडिकेट कर रहा है कि ये खराब है। और आप में दुनियादारी की समझ ही नहीं है, और दुनियादारी की समझ नहीं है, कामकाज की समझ नहीं है, तो आप जीवन में तरक्की कैसे पाएंगे, ठीक है। तो बदलाव ही सृष्टि का नियम है। और बेटा बदलाव के अंदर आप यही चीज देख लीजिए कि थोड़े समय के बाद तो एक भगवान भी पैदा हो जाते हैं, सत्य है, अवतार लेते हैं और बहुत पुण्य आत्माएं आती हैं धरती पे। तो परमात्मा भी बार बार आकर के संदेश दे रहा है, उसके नुमाइंदे आके आपको संदेश दे रहे हैं। तो बेटा ये फोटो तस्वीरें बदलने में जाता क्या है, अगर ये भी आप बदलते हैं नए परमात्मा आएंगी, नई तस्वीर आएगी, नई मूर्ति आएगी, वो भी आपको एक संदेश देगी और उसके संदेश से किस्मत खेल सकती है, बढ़िया हो सकती है। इसलिए ये फटी हुई तस्वीरें और टूटी हुई मूर्तियाँ बिल्कुल घर पे ना रखें, उठाए जा करके जल प्रवाह। गुरुदेव ये जो मूर्तियाँ और चित्र हम घर में लाते हैं, इसको लाने के लिए क्या कोई शुभ दिन होता है या कोई शुभ समय जिसमें भगवान का चित्र या मूर्तियाँ घर में लाएं? एक बहुत पुरानी कहावत है, बुध शनिचर कपड़ा गहना एतवार, सतगुर पली करे तो जुती पाइये मंगलवार, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे शुभ दिन माना जाता है, जिसमें सोना लाया जाता है, जिसमें ज्ञान पाया जाता है, हालांकि संडे को छुट्टी होती है ज्ञान के सारे संसारों की, लेकिन ये सत्य बात है, हम जब गुरुकुल में भी जाते हैं तो सबसे पहले बाल मुंडवाए जाते हैं, यहाँ पर चोटी रखवाई जाती है, वो इसीलिए रखवाई जाती है कि सूर्य देव की पूरी कृपा इनके ऊपर बरसे और ज्ञान आए। और परमात्मा को जब हम घर पर लाते हैं वो हमें किसी भी कर्म का ज्ञान देने के लिए आते हैं, हमारा साथ हाथ बटाने थोड़ी आते हैं काम के अंदर। और बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि वो आपके रुके हुए कामों के अंदर आकर के खुद खड़े हो जाए, वो तो उसे अर्जुन की किस्मत थी कि श्री कृष्ण खड़े हो गए, नहीं तो बाद में तो किसी की किस्मत नहीं रही। तो बेटा यहाँ पर संडे के दिन में आप ये मूर्तियाँ ला सकते हो, सोमवार के दिन आप मूर्तियाँ ला सकते हो, मंगल के दिन आप मूर्तियाँ ला सकते हो, ठीक है। ये तीन दिन है, संडे मंडे ट्यूसडे, इसके अंदर जब भी आप परमात्मा की तस्वीर वगैरह लेकर के आते हैं आपके लिए अति शुभ। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। और अगर आप भी जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय जरूर पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9999905222। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।